हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओ वुमनिया। आज हमारे साथ ऐसी वुमनिया है जो है वर्सेटाइल। वो एक सोशल वर्कर है, होम मेकर है, एजुकेटर है और साथ ही एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। तो मेहता जी, आप 28 साल से डीडी मध्य प्रदेश में न्यूज़ रीडर हैं और पिछले 5 वर्ष से बीएसएस कॉलेज में कार्यरत हैं। वेलकम मैम टू ओ वुमनिया। मैम, मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती हैं। आप एनजीओ से जुड़ी हैं, आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, आप डीडी नेशनल में बहुत सालों से न्यूज़ रीडर हैं। तो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैम, सबसे पहले अपनी जर्नलिज्म की जर्नी के बारे में बताएं। जर्नलिज्म की अगर बात की जाए तो काजल, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और फाइनल ईयर में थी, तभी से मेरी जर्नलिज्म की जर्नी स्टार्ट हो गई। उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन होने थे और ऑडिशन के लिए मेरे डैडी मुझको लेकर गए। हालांकि हमें खुद लग रहा था कि हम ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, हमारे घर से कोई इस फील्ड में नहीं था। तो मेरी मम्मा ने भी कहा कि क्यों इसको लेके जा रहे हो, कहाँ इसकी इतनी मोटी आवाज़, कौन सेलेक्ट करेगा, पता नहीं। डैडी कॉन्फिडेंट थे तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं नहीं चलो, और वहाँ ऑडिशन दिया। उस दिन काफ़ी लोग ऑडिशन में थे लेकिन इत्तेफाकन मेरा सिलेक्शन हुआ। बाद में कई साल बाद 1994 में दूरदर्शन स्टार्ट हुआ भोपाल में जी। उस टाइम फिर मैंने दूरदर्शन के लिए ऑडिशन दिया और चांस की बात है दूरदर्शन के ऑडिशन में भी सिलेक्शन हुआ। तो जर्नलिज्म की यात्रा ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ दूरदर्शन। आप ऐसे इतनी सारी चीज़ें कर रही थी, आप ऑलरेडी एजुकेशन, फिर आप डीडी नेशनल में, फिर आप एकदम से सोशल वर्क में कैसे आए, क्या टर्निंग पॉइंट है कुछ ऐसा? सोशल वर्क का काजल अगर मैं कहूँ तो मैं स्पेशली टाइम नहीं देती हूँ सोशल वर्क के लिए। मैं क्योंकि एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हूँ, 24 साल मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी, उसके बाद मैं बीएसएस कॉलेज आ गई, वहाँ भी मेरे 4 साल कंप्लीट हो गए, 5वां साल स्टार्ट है। इन जगह काम करते करते सोसाइटी में जब मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ओके, जब मैं सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ तो सोसाइटी में ज़रूरत पड़ने पर सोसाइटी को सर्व करना मेरा कर्तव्य बनता है, इट्स माय ड्यूटी। बहुत अच्छी बात बोली, जो भी हम लोगों को जैसे भी कोरोना टाइम है yes. और इस संकट काल में अगर मुझे लगता है कि हम किसी की मदद किसी भी तरह से कर सकते हैं तो ये हमारा फ़र्ज है एक नागरिक होने के नाते। मैं भी एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ईगरली आपकी डीडी नेशनल की जो जर्नी थी उसके बारे में जाना है। आप 26-27 ईयर से डीडी नेशनल में सर्व कर रही हैं। मुझे 28 ईयर्स कंप्लीट हो गया। 28 ईयर्स, और इसके बारे में अगर आप जानना चाहो तो जब मैं भी पहली बार मुझे पर्दे पर आना था, फर्स्ट न्यूज़ पढ़ रही थी, मेरे भी हाथ कांप रहे थे, कैमरा मेरे सामने था, मुझे न्यूज़ पढ़नी थी और जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बार बार ये लग रहा था पता नहीं मेरी शक्ल कैसी लग रही होगी, पता नहीं बाल ठीक आ रहे कि नहीं आ रहे। और जब मैं ये सब सोच रही थी तो मैं जो पढ़ रही थी वहाँ मैं फंबल कर रही थी। ओके, कई टाइम ऐसा चलता रहा। जिस दिन न्यूज़ है हम बहुत कॉन्शियस, कौन सी साड़ी पहने, फिर कैसे लग रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैंने अपने मन में ये सोच लिया कि ये सब सेकेंडरी, जो मैं पढ़ रही हूँ उसको फोकस करूँ, उस पर ध्यान दूँ, तो आपका क्वालिटी वर्क जाने लगता है। yes, आज की डेट में जब न्यूज़ पढ़ती हूँ मैं बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं देती कि पता नहीं मेरे बाल कैसे लग रहे हैं या मेरी शक्ल कैसी लग रही, नहीं, मुझे अपने न्यूज़ के प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि मेरा क्वालिटी वर्क जाए तो मेरी न्यूज़ बेस्ट जाती है। मैंने बीएसएस के बहुत सारे बच्चों से आपके बारे में सुना है, तो आप क्या करती हैं बीएसएस में, आपका इतना अच्छा कनेक्शन कैसे है बच्चों से? काजल, आई एम वेरी लकी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो हूँ, साथ ही साथ मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ। अब पब्लिक रिलेशन मींस सबके साथ एक अच्छा दोस्त है ना। यस मैम। तो मेरे बीएसएस के लगभग 5000 बच्चे मेरे बच्चे मैम, और कोई प्रोग्राम हो, किसी भी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना हो तो मंजू मैम होती है और साथ में बच्चे होते हैं, इसलिए बच्चे इतना लगाव करते हैं आपसे। और इसके अलावा हमारे एक रिदम स्टूडियो है कॉलेज का, तो रिदम स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चों की पहचान बनती है और ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे प्रोग्राम्स जाते हैं जो वाओ, बहुत सुकून देते हैं। मैंने सुने हैं मैम रिदम के कुछ प्रोग्राम्स बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत अमेजिंग। आपने इतना काम किया है तो आपकी जर्नलिज्म और एजुकेशन से रिलेटेड हमें अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। काजल, अचीवमेंट्स तो बहुत मिले, एक इत्तेफाक की बात है, मैंने ये जो काम शुरू किए सब शौकिया किए, क्योंकि मेरे घर में शुरू से था कि नौकरी नहीं करना, लेकिन जब मैंने शौकिया की तो ये शौक मेरा पैशन बन गया, और जब पैशन बन गया तो मैंने भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया,
सो रिजल्ट ढेरों अचीवमेंट। ऐसे में मुझे एजुकेशन में बहुत अवार्ड्स मिले, मुझे गवर्नर के हाथों 2 बार सम्मान का अवार्ड, सम्मानित होने का मौका मिला, मुझे रैंक एंड बोल्ड प्रेशियस अवार्ड टीचिंग के क्षेत्र में मिला, फिर न्यूज़ रीडिंग को देखते हुए मुझे कई संस्थाओं ने सम्मानित किया, और सबसे बड़ा सम्मान मेरी ज़िंदगी का है कि मुझे बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा प्यार मिलता है। मैम आप एक क्या मैसेज चाहती हूँ मैं लास्ट में, कि आप एक क्या मैसेज हमारे यूथ या जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं आज की युवा जनरेशन को मैसेज ये देना चाहती हूँ काजल कि ये जो हमारी युवा है इनमें काम करने का जज्बा है, जोश है, बच्चे अगर सही डायरेक्शन रखें आसमान छू सकते हैं। डायरेक्शन सही होना चाहिए, सोच सही होना चाहिए, नज़रिया ठीक होना चाहिए। जब हम अच्छे काम अच्छे जज्बे के साथ करते हैं हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, ऊपर वाला हमारी मदद करता है। अगर हम पहले ही एक गलत भावना या छोटी सोच से चलते ना तो हम बहुत आगे नहीं पहुंच सकते। तो युवाओं के लिए मेरा खास सपना यही है कि हम स्टार्टअप करें, ऐसे काम करें कि इंडिया को वर्ल्ड की सुपर पावर बनाकर गर्व महसूस करें। थैंक यू सो मच मैम अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू काजल, आपने हमारे को जो मौका दिया इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। ओ वुमनिया चैनल में काजल मुझसे बात कर रही थी। मुझे काजल में जो जज्बा दिखा लगा ये लड़की बहुत आगे जाएगी। अभी बहुत छोटी है लेकिन जैसे अभी हमारी बात हुई, जज्बा इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। सो काजल ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से, दिलदारी से देश के लिए काम करो, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट, इस छोटी सी बच्ची का ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।